तो ही गाइस, आप सभी का स्पीड में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सीरियल 13 मेरा सातवां की स्टोरी इन दिनों फैंस को आकर्षित करने में बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो रही है। फैंस को ट्विस्ट एंड टर्न इसके बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। अब आगे की अपडेट देने से पहले प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, और इसी तरीके की अपडेट जानिए तो प्लीज़ मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आ जाते हैं अपनी अपडेट की ओर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता, सीरियल 13 मेरा सातवां में आशी और गोपिका ना दोनों ही मोदी फैमिली के बहू हैं, और दोनों के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि आखिरकार कौन जो है वो अच्छी बहू बनकर सामने आए। अब ऐसे में आशी तो बहुत सारे गड्ढे होती है जिसमें वो खुद ही गिर जाती है। अब अपकमिंग जो एपिसोड है, यहाँ पर नवरात्रि वाले सीन दिखाई देने वाले हैं, तो यहाँ पर जो मिथिला मोदी हैं वो एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करने वाली हैं। मतलब स्टोरी कुछ इस टाइप की आपको देखने वाली है कि जहाँ पर गोपिका और आशी दोनों को दोनों एक प्रतियोगिता के भाग लेने वाले हैं, जिसमें ये पता लगेगा कौन है, मतलब अच्छी बहू कौन है, और जो भी इस प्रतियोगिता की विनर होगी वो श्रृंगार करेगी माता रानी का। जी आएगा, तो यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में हमको कुछ ऐसा ही ट्विस्ट एंड टर्न दिखाई देने वाला है, जहाँ पर जो भी इस प्रतियोगिता की विनर होने वाली है वही पूरा का पूरा श्रृंगार करने वाली है हमारी माता रानी का। अब गाइस, यहाँ पर तो खैर बहुत सारी भूमि पार्टिसिपेट करने वाले, लेकिन जो फाइनल राउंड है वहाँ तक मेरे हिसाब से तो आशी और गोपिका ही जाने वाली है। लेकिन इन दोनों में से कौन जीतेगा ये भाई हम सभी को पता है। यहाँ पर गोपिका की क्लियर विलन होने वाली, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न झेलने पड़ेंगे, गोपिका को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, तब फाइनली कहीं ऐसा होगा जहाँ पर हमारे गोपिका वो जीत जाएंगी ये राउंड, और जिसकी वजह से वो श्रृंगार करेंगी माता रानी को, और माता रानी को ही वो मुकुट गोपिका ही पहनाने वाली है। तो गाइस, अगर अपडेट अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।